हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपके पास मैथ का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे बताने से पहले सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में कोई काम को करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा वो आपको बताना है। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। 5 सेकेंड है आपके पास, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, जल्दी से आंसर कीजिए, मैं भी आपको जल्दी से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है, कैसे हम एलसीएम विधि से जैसे हम करते हैं लसा से, वैसे ही हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे बोला है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो हम ए प्लस बी कर लेते हैं, 16 दिन में ये कार्य को करते हैं, ठीक है। जबकि उसी कार्य को ए जो है वो अकेला 24 दिन में करता है, तो यहाँ पर ए को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना इसका एफिशिएंसी, मतलब इसकी जो क्षमता होगी ए की, अगर 24 दिन में कर रहा है ये, तो ये कि इसका एक दिन में कितना काम करता होगा, ये करता होगा 2। इससे हमने एलसीएम लिया है इन दोनों का, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम विधि से ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों का मिलाकर, यहाँ ए का 2 है और यहाँ ए प्लस बी का दिया हुआ है, 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की एफिशिएंसी, यानी 48 को भाग देंगे 16 से, तो ये 3 हो जाएगा। यानी ए यहाँ पे दिया हुआ है 2 की एफिशिएंसी है, 2 की क्षमता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है आपका ए प्लस बी, यानी दोनों मिलाकर 3 की एफिशिएंसी है, यानी कि 3 की क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है ए का स्पीड 2 है, तो ए प्लस बी दोनों मिला है तो यहाँ पे 3 हो गया। तो यानी बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, यहाँ 3 में से माइनस कर देंगे 2, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या आएगा, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी है ये, और ये आपका ए है, तो जो घटाएंगे तो आपका बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, यानी उसका क्षमता 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर काम पूरा क्या है, काम हमने जब एलसीएम लिया है, यहाँ पे देखिए एलसीएम जो हमने लिया है तो 48 आया, तो 48 बटा के जो क्षमता है उसको नीचे रखेंगे 1, तो 1 से 48 आपका 48 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, बी जो यहाँ पे 48 48 दिया हुआ है वो सही आंसर है। जिन लोगों ने 48 आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही कम टाइम लेना है आपको, एलसीएम विधि से ही आसानी से हो जाता है। तो आशा करते हैं कि सभी लोगों ने आंसर सही दिया होगा, 48 यानी कि बी इसका आंसर सही है। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर से जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही साथ आपके कुछ सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।